कपड़ा जो नहीं साइज का पकड़ना ठीक है, उसको ऐसे पहले आराम से हाथ से जो है ज़्यादा भी नहीं दबाना क्योंकि ख़राब ना हो, ऐसे थोड़ा सा छोड़ देना ताकि इसमें हवा आने, एक साइड पे ऐसे रख देना। उसके बाद आपने इस तरह फिर करना और थोड़ा सा इसको जिसको कहें ना हैश टाइप में इधर रख देना, उसको ऐसे रख देना ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा कि बकरा जिस तरह अगर फर्ज करे मैं ऐसे ही इनको डाल दूँगा उसे जाके इसके अंदर ही चाहे तो ये घिरा जो इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा इसको ना गिराएगा ठीक है, और बहुत ज़ाया करेगा जिसको कि इस तरीके से जो है आप कुर्बानी के जानवर के लिए भी आप चारा बना सकते हैं तो बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, अगर गिरेगा भी बहुत कम गिरेगा ठीक है। मैं आपको भी दिखा भी दूँगा अभी, तो इस तरह आपने करके ना इसको कर लेना, बड़ा खुश हो गया ठीक है जी। ये काफी ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा भरना भी नहीं है, भर देंगे तो उसमें भी जो है खाते हुए गिरा रहा। आपके दसवें आपको पैलेस के अंदर ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये जर्सी इसने उतारने नहीं देनी थी वैसे, तो अब ये खाना खा रहा मसरूफ है, मैं बड़े आराम से चाहे इसका उतार के टांग उतार के चाहे उतार लूँ, लेकिन कुछ नहीं ये कहेगा किसी भी दूसरी साइड से भी इसी तरह मैं निकाल लूँगा ठीक है। तो ये आराम से ठीक है, तो इस ये आप सर्दी से बचाने के लिए इसका प्रोसीजर कर सकते हैं, इसको भी साइड पे रख सकते हैं या धूप में किसी जगह पर रख सकते हैं ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको सारा ये तरीका बता दिया कि आपने बकरे को किस तरह पालना है ठीक है, रखना है अपने घर में, और बकरा हो बकरी हो या भेड़ हो इस तरह का जो जानवर है वो आराम से आपने घर में रख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी आपको सारी ये वीडियो पसंद आई होगी ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ कमेंट्स भी अपने कीजिएगा, कोई भी आपको प्रोग्राम आ रहा है या कोई आपने कोई सवाल मेरे से इससे रिलेटेड कोई भी पूछना तो वो पूछ सकते हैं ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देर का फैमिली फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।